राधे राधे हरे कृष्णा। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज मैं आपको सरकारी नौकरी पाने के कुछ उपाय बताने जा रही हूं। जैसे कि इस समय बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं, दूसरे प्रदेशों का तो मैं नहीं जानती हूं, लेकिन मैं मध्य प्रदेश में रहती हूँ तो यहाँ पर बहुत सारी जो है इस समय नौकरियाँ निकाली जा रही हैं। जब भी चुनाव आने वाला होता है तो इसी तरह से ढोल बजाया जाता है सरकारी नौकरी का। तो बात करेंगे, जैसे कि पढ़ने वाले बच्चों के लिए उपाय बताने जा रहे हैं तो उनको इतना ज़्यादा टाइम नहीं हो पाता है कि वो अधिक समय लगा करके कोई उपाय करते बैठे रहें। पढ़ना भी होता है, क्योंकि बिना पढ़े मैं नहीं कहूँगी कि कुछ होने वाला है, कर्म तो करना ही होगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि कभी कभी जो है लोग 3 नंबर से 2 नंबर से 1 नंबर या फिर कुछ पॉइंट से भी जो है चूक जाते हैं, सरकारी नौकरी नहीं पा पाते हैं। तो ऐसे में कुछ किस्मत भी काम करती है, ऐसा नहीं है। जिस 3 प्रकार से प्रारब्ध होता है हमारा, देखिए कुछ प्रारब्ध ऐसे होते हैं कि छोटे मोटे हमने कर्म किए तो वो चीज़ें हमें मिल जाती हैं, कुछ हमें अधिक मेहनत करने पर ही मिलेंगी ऐसा लिखा होता है, और कुछ ऐसा होता है कि कितनी भी मेहनत कर लें उसमें मतलब ब्रह्मा की लकीर होती है, जैसे विवाह से संबंधित या फिर जन्म मृत्यु से संबंधित कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो जब ब्रह्मा स्वयं ही आकर आशीर्वाद दें तभी जो है मिटती, हालांकि मिट वो भी सकते हैं भगवान के आशीर्वाद से। ठीक है, तो पढ़ना भी है, कर्म भी करना है, साथ ही साथ उपाय भी बताऊंगी। ठीक है, 2-3 प्रकार के उपाय बताने जा रही हूँ, जो भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। देखिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए जो है सूर्य ग्रह का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और बाकी नौकरी तो ठीक है अगर सरकारी नौकरी, क्योंकि ये राजकीय विभाग कहला जाता है, जैसे कि राजा के यहाँ लोग नौकरी करते थे उसी प्रकार से। तो सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए क्या करना है कि सुबह सुबह अर्घ देना है। ठीक है, जितना ज़्यादा जल्दी सूर्योदय के बाद आप अर्घ देंगे उतना ज़्यादा, जैसे कि बाल कहते हैं ना कि बच्चे जल्दी सुन लेते हैं, तो बालपन में यानी सूर्य देवता को जैसे ही वो उगते हैं वैसे ही अगर आप अर्घ देते हैं तो ज़्यादा प्रभावी रहेगा। ठीक है, तो तांबे के लोटे में जो है जल, अक्षत, चंदन, पुष्प इत्यादि, थोड़ा सा गुड़ भी मिला लें और अर्घ प्रदान करें। अर्घ देने की विधि का एक अलग से वीडियो मैंने बनाया है, तो विधि अच्छे से जान लें और फिर अर्घ दिया करें सूर्य देवता को। लाल चीज़ें जो है अर्पित की जाती हैं, तो रविवार को आप लाल धारण कर सकते हैं, जैसे कि मौली वगैरह लाल पहन सकते हैं, लाल वस्त्र धारण कर सकते हैं रविवार के दिन। ज़्यादा अधिक मेहनत करने की अगर आपको इच्छा है तो आप सूर्य ग्रह की मजबूती के लिए रविवार का व्रत भी कर सकते हैं, उसका भी वीडियो मैंने दिया हुआ है। इस प्रकार से आप अगर सूर्य देवता को 12 नामों को बोलते हुए, क्योंकि बहुत प्रभावी नाम होते हैं सूर्य देवता के, 12 नामों को बोलते हुए अगर अर्घ प्रदान करते हैं तो आपके सूर्य ग्रह जो है मजबूत हो जाते हैं और आपके सरकारी नौकरी पाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, दूसरा उपाय है कि आप जैसे कि सूर्य देवता वाला भी उपाय जो है आप संकल्प लेकर के कर सकते हैं कि मैं इस संकल्प की पूर्ति के लिए जो है 1 वर्ष तक या फिर जितनी भी आपकी इच्छा है, बाद में आप बिना निष्काम भाव से भी अर्घ प्रदान कर सकते हैं। संकल्प लेकर क्या रहता है, देखिए हम सामान्य पूजा जब भी करते हैं तो वो हमारे भक्ति भाव के कोटे में चली जाती है, और जब हम संकल्प लेकर कोई पूजा करते हैं तो केवल उसी संकल्प के लिए, केवल उसी मनोकामना के लिए सारे फलों की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, संकल्प लेकर करना चाहें सूर्य देवता को अर्घ प्रदान तो वो भी आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं संकल्प लेकर के। 11 दिनों का पाठ रहेगा, अगर कर सकते हैं तो लहसुन प्याज का त्याग कीजिए, ब्रह्मचर्य व्रत में रहिए। ठीक है, करना क्या है कि आपको एक लोटा जल रख लेना है जब भी आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो आत्मन इत्यादि करके जो है हनुमान जी को प्रणाम करके पंचोपचार से पूजा कर लीजिए, अच्छे चंदन पुष्प इत्यादि से थोड़ा सा गुड़ चने का भोग लगा दीजिए, फिर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ठीक है, जो जल आपने एक लोटा रखा हुआ होता है हनुमान चालीसा का पाठ करके, जिसको चाहिए अगर जैसे पत्नियाँ अगर ये कर रही हैं ये उपाय, तो आप पति को पिला देंगे वो पानी, अगर हम खुद की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो वो पानी हम खुद पी लेंगे। ठीक है, तो संकल्प लेकर के करना है। पहले दिन आप जो है थोड़ा सा जल हाथ में ले लीजिएगा और हनुमान जी से बोलिएगा कि मैं सरकारी नौकरी प्राप्ति के लिए जो है हनुमान चालीसा के 11 पाठ करने का संकल्प लेता हूँ या फिर लेती हूँ, पति के लिए है तो पति के लिए सरकारी नौकरी चाहती हूँ, जो भी आपकी मनोकामना अपनी भाषा में बोलिएगा, कोई ऐसा नहीं है। वैसे मैंने संकल्प का भी विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो संकल्प बोल दीजिएगा, पानी वहीं पर यूँ ही मतलब भगवान के पास छोड़ दिया जाता है। ऐसे संकल्प लेके 11 दिन पाठ करें, पाठ जब पूरा हो जाता है तो वो जल आप पी लें। ठीक है, बस इतना ही करना है। आप 21 पाठ या फिर 51 पाठ ऐसे का भी संकल्प ले सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। ठीक है,
इस तरह से। और जैसे कि जब 51 हो जाता है, 11 हो जाता है, आपका पूरा हो जाता है, तो एक दिन मंदिर चले जाएं, वहाँ पे जो है थोड़ा सा प्रसाद वगैरह सबको बांट दें, 10-50 पंडित जी को दे दिया। क्या है, ये सारी चीज़ें हैं ना हमारे जो भी हम करते हैं, मतलब अनुष्ठान कहला जाता है, जो भी हम करते हैं पूजा पाठ व्रत इत्यादि, उसकी पूर्णता के लिए होता है दान दक्षिणा। जैसे कि हमारी कभी जबान लटपटा जाती है, कुछ अशुद्धियाँ हो गई, तो इनकी प्रतिपूर्ति के लिए जो है दान दक्षिणा इत्यादि ये सारी चीज़ें की जाती हैं, ठीक है, ताकि संपूर्ण फलों के प्राप्ति हो। तो ये आपको करना है, मतलब, और जैसे कि आसपास गाय को खिला दिया, कन्या को दे दिया प्रसाद, ब्राह्मणों को जहाँ पे मंदिर रहते कोई ना कोई मिल ही रहता है वहाँ पे प्रसाद बांट दिया, 10-50 पंडित जी को दे दिया, ऐसे तो आपको, मतलब जब भी आपका पाठ पूरा हो। दूसरा उपाय ये रहेगा आपका। तीसरा बहुत ही सरल उपाय बताने जा रही हूँ, वो है पढ़ने के साथ आप कर सकते हैं, कोई अलग से आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसमें। आपको करना है नाम जप, आपके जो भी इष्ट देव हैं, जैसे कि गौरी शंकर नमः शिवाय, सीताराम, राधे श्याम, ओम गणेश या फिर गणेशाय नमः, जय माँ दुर्गे, जय माँ सरस्वती, जो भी आपके इष्ट देव हैं जिन्हें आप संकट के टाइम पे सबसे पहले पुकारते हैं, वो आपके इष्ट देव, उनका नाम जप करना है, ठीक है। पढ़ने के में तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तो जब भी दिमाग खाली रहे, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है आप घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सुबह उठने के जस्ट बाद, मतलब आप दिन की शुरुआत नाम जप से करें, मतलब बिस्तर पे ही जब तक आप टॉयलेट नहीं जाते हैं तो आप नाम जप कर सकते हैं, ठीक है। कि मंत्र जप और नाम जप में क्या अंतर होता है, कि मंत्र जप जो है एक आसन पर बैठकर और शुद्ध होकर के ही किया जाता है, लेकिन नाम जप आप किसी भी समय किसी भी अवस्था में जो है कर सकते हैं, ठीक है। नाम में जो है ओम नहीं लगाना चाहिए, वरना वो मंत्र बन जाता है। तो केवल सीताराम, राधे श्याम, जो भी आपके इष्ट हैं, अगर हनुमान जी हैं तो जय हनुमान, ऐसे आप करके पूरे दिन जो भी काम करें, सोते वक्त, उठते वक्त, जब भी याद आए आपको नाम जप ज़रूर करना है। क्या होता है कि नाम जप से हमारे ग्रह नक्षत्र की स्थिति सुधरती है, क्योंकि एक एक नाम में इतनी ताकत होती है कि कई कई जन्मों के पाप कर्म भस्म हो जाते हैं, ठीक है। तो जब हमारे खाते में पुण्य जुड़ते जाएंगे तो हमारे ग्रह नक्षत्र अच्छे होंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि सूर्य ग्रह की मजबूती चाहिए, तो नाम जप एक ऐसा साधन है कि सूर्य ग्रह तो छोड़िए, बाकी सारे 9 ग्रह, क्योंकि भगवान तो सारे ग्रहों के मालिक हैं, तो सारे के सारे ग्रह संतुलित होते हैं, क्योंकि एक ग्रह को संभालने से दूसरा बिगड़ सकता है। तो सारे ग्रहों को संतुलित करने का उपाय आप समझ लीजिए कि पूरे दिन नाम जप करना है। नाम जप में ऐसी सामर्थ्य होती है कि दुनिया की कोई भी मनोकामना पूरी हो सकती है। इसके लिए भी आप मन में ऐसा भाव करें कि मैं सरकारी नौकरी के लिए जो है नाम जप कर रहा हूं, वैसे नाम जप भगवान का भक्ति भाव से करना चाहिए, लेकिन अगर आपका ऐसा है कि ये ही मुझे मिल जाए, इसके बाद मैं जो है भगवान की भक्ति करूँगा, तो आप मन में वैसा भाव रखे रहें पूरे दिन, जब आप शुरू करते हैं तब भी। तो ऐसे में जो है जिस भाव से हम भगवान का नाम जप करते हैं उसी भाव की पूर्ति जो है होती है। और बिल्कुल शंका नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हवा में फेंकने वाली बातें नहीं कह रही हूँ, नाम जप से अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, तो सरकारी नौकरी की क्या ही बात है, ठीक है। तो पढ़ाई ज़रूर करना है, कर्म ज़रूर करना है, उसके साथ नाम जप ज़रूर कीजिएगा। तो नाम जप से संबंधित या फिर अभी जैसे कि मैंने वीडियो में कई पूजा या फिर विधियाँ बताई हैं, तो उनसे संबंधित अगर आपको कोई परेशानियाँ आ रही हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ एक बार चैनल पे आके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, जैसे कि मैंने संकल्प बताया है, सूर्य देवता की पूजा, रविवार की पूजा, सारी चीज़ें अलग अलग वीडियो में बताई हुई हैं, तो उनको आपके आके आप एक बार चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। और अपने इष्ट देव का नाम ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।